से हैं? बिहार से हैं। मनोज तिवारी के साथ नहीं है? नहीं है। वो क्या, वो तो नचनिया है, तबला बजाता है। कन्हैया कुमार पे भी तो आरोप है। क्या है आरोप? बीजेपी वाले बोलते हैं कि वो देश के टुकड़े टुकड़े कर। कन्हैया कुमार कोई आरोप नहीं, उस पर लगा थोपा जा रहा है। राजनीति में तो कदम रखा है उसका, जितना है पढ़ा लिखा। मोदी नहीं है, अमित शाह है। नहीं, जो पढ़ा लिखा ने उसको बना दिया क्रिकेट का चेयरमैन। अच्छा, अपने बेटे को जानता बल्ला पकड़ने के लिए जानता है। छह बार में, छह बॉल में छह बार आउट करेगा। चैलेंज देते हैं, छह बॉल में छह बार आउट करेंगे। जय साहब, समझ गए? कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी जी, कौन किस पे भारी? कन्हैया कुमार मनोज तिवारी पे भारी। पक्का है? पक्का, कॉन्फिडेंस है, लॉक कर दो। सात में से छह का टिकट काट दिया गया बीजेपी की तरफ से, मनोज तिवारी का नहीं काटा गया, और आप कह रहे हैं कन्हैया भारी पड़ेगा मनोज तिवारी पे। भाई साहब बिल्कुल भारी पड़ेगा, अकेला ही वो 50 के बराबर है कन्हैया कुमार। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, नया नई जनरेशन है, नया लौंडा है, नया खून है, बस और क्या है भाई साहब, यही। और आप बताइए। हाँ जी, कन्हैया कुमार मनोज तिवारी बढ़िया आदमी है, किसे वोट जाएगी? कन्हैया कुमार को जाएगी। कन्हैया कुमार को जाएगी? हाँ, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार को। हाँ, कन्हैया कुमार को। मनोज तिवारी को क्यों नहीं? मनोज तिवारी नाच रहे हैं, नाच नचवाएंगे उन्हें। हाँ, 10 साल सांसद रहे आप। हाँ, लोग का वो पर डांस आवे, उन पर काम करना ही ना आवे। वो सिर्फ डांस करते हैं वो। हाँ, उन्हें डांसर अच्छे हैं वो। दो बार सांसद बनाए आप लोगों ने। ये तो मोदी जी ने भी कहा है, जो नाचने का काम है उसे नचाओ। हाँ, वो तो मोदी जी के भी डायलॉग है। जो मोदी जी ने कहा है, जो जिसे जो काम आता है उसे करवाओ वही। अच्छा। हाँ, अब सिंगर हैं। और जो केजरीवाल सिंगर बचारे बढ़िया काम करें उन्हें अंदर डाल दें बार बार। इतने बढ़िया आदमी कभी आया ही ना ऐसा आदमी केजरीवाल की तरह। केजरीवाल की तरह बढ़िया आदमी यार। वो तो बोल रहे हैं मुफ्त में देके बर्बाद कर रहे हैं दिल्ली। और मुफ्त तो मोदी जी भी दे रहे हैं मुफ्त तो। हाँ, ये ना बर्बाद कर रहे। अरे ये ना कर रहे। हाँ, एक डायलॉग सुना तुमने वो वाला? कौन सा? जो उसमें कह रहे अमरीश पुरी कह रहे कोई सी फिल्म में मुफ्त की खाने का। हाँ, अरे इन लोगों के अंगूठे ले लो। हाँ, तो वो कह रहे की खाने की आदत। हाँ, तो पहले हराम की खाने की आदत पढ़ लें तो इन्हें, जब अंगूठा लेंगे इनसे। अच्छा, तो ऐसी मोदी जी डाल लेंगे। हाँ, चुनाव में क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी कौन किस पे भारी? ये कन्हैया कुमार भारी। हाँ, बिल्कुल भारी है। यहाँ से, यहाँ से मुद्दे क्या? क्यों मनोज तिवारी क्यों नहीं? सब चोर है ना, इसलिए नहीं। कन्हैया कुमार ईमानदार है? हाँ, नहीं ईमानदार, ईमानदार नहीं। कौन? कन्हैया कुमार? नहीं, कन्हैया कुमार नहीं, ये मनोज तिवारी। ये डांसर है। डांस कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, किसे वोट जाने वाले जी? आप जिस पर वोट डलवा दो हम डलवा दें जी। हाँ हाँ, अच्छा, क्या आप हमारे लिए सब बराबर है जी? सब बराबर है जी। सभा चुनाव उत्तर पूर्व से सांसद कौन होगा इस बार? जनाब जो जीते वो गरीबों का भला करे। कौन करेगा? सियासी मुद्दे से ना उछले। कौन कौन करेगा गरीबों का भला? कन्हैया कुमार। अब जिस पे नाम लेंगे वही खाएगा। हाँ, इसका नाम लिया जाए। बताइए, एक नाम आप बताओ, एक नाम हम बताएं। हाँ, आप बताओ पहले एक नाम। मनोज तिवारी 10 साल रहे। कन्हैया, कन्हैया किसी ने कुछ नहीं करा। कन्हैया लाल की, वोट फॉर कन्हैया। हाँ हाँ, वोट फॉर कन्हैया। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने चाहिए। हाँ, हाँ जी, कुछ कारण बताइए प्रधानमंत्री होने चाहिए। बढ़िया आदमी है। जब कांग्रेस सरकार जब 350 का सिलेंडर अब आ रहा है 1000 रुपए का सिलेंडर, बताओ। और डीजल देखो 50 रुपए लीटर, अब 100 रुपए लीटर है। बता रहे हैं? हाँ जी, 350 रुपए का सिलेंडर बता रहे हैं कांग्रेस के राज में, और आज 1000 रुपए का मिल रहा है। मोदी के 400 पार होगा तो हर चीज 400 पार कर देगा, 400 पार कर देगा। सही काम करे उसे जेल में डाल देंगे। और केजरीवाल जैसा आदमी मोदी हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं है। केजरीवाल जैसा आदमी, उसको अन्ना राजारे ने बोला था कि बेटा ये तेरे खेलने की चीज नहीं है, ये कीचड़ है, दलदल है, इसमें मत उतर। हाँ, बोला मैं दिल से उतर रहा हूँ बस एक बार। हाँ, अपने हिंदुस्तान की शान के लिए। हाँ, एक बार कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, दलदल में उतर गया। क्या हो गया? इतना पढ़ा लिखा आदमी जेल में, देखने की सोचने की बात है, हिंदुस्तान की बैंजर डूब मरने की बात है। आईएस है उसका, वो क्या कहते हैं उसका, इनकम टैक्स विभाग आईएस, पूरी जानकारी रखे हुए हैं। हाँ जी, पूरी जानकारी एकदम कोतवाली सरकार से। जेल क्यों गए फिर? जेल जेल तो भेजा गया उसको, भेजा गया है। मोदी इतना ये कर रहा है तो मोदी को क्यों नहीं जेल जाना पड़ता है?
मोदी क्यों नहीं जा रहा है जेल? हमेशा 24 घंटा झूठा बात बोलते रहता है। ये बताओ आप खड़े हुए हो, वो कह रहा है कि बाप मंगलसूत्र छीन लेगा, एगो भैंस छीन लेगा, दो गो घर है तो एगो घर छीन लेगा। मोदी का क्या है, मोदी का क्या गारंटी है? अपना बीबी को तो करके उसका मंगलसूत्र छीन लिया और दूसरे का मंगलसूत्र का ख्याल रख रहा है? पहले अपना मंगलसूत्र को बचाए, जिससे वो मंगलसूत्र जिसे पहनाया है उसका मंगलसूत्र का ख्याल नहीं। अरे पांचवी फेल हुआ क्या बात करेगा, उसका सामने हमको बैठा दो, हम डिबेट करने के लिए तैयार। मोदी मर है तो हम देखा दो मेरे सामने बैठ के। बिहार से बिलोंग करते हो? बिहार से हैं? बिहार से हैं। मनोज तिवारी के साथ नहीं है? नहीं है। वो क्या, वो तो नचनिया है, तबला बजाता है, हाय हाय, वो तो एक नचनिया हाय हाय करते रहता है। 10 साल सांसद रहे आपका? हाँ 10 साल सांसद। सांसद क्या किया 10 साल में? नहीं, किसी का घर में आया पूछने के लिए क्या हो रहा है? कभी आया है? तो आप बताइए ना, कोई घर घर बता दे, इतना लोग बैठा हुआ है, कोई बता दे कि एक एक आदमी से भी उसका परेशानी पूछा हो, काम किए कि नहीं किए? कौन सा काम किए? ये देखिए, ये काम किया, ये देखिए, बेरोजगार कर दिया भाई, बेरोजगार कर दिया। मोदी कह रहा है होटल में उसको चौकीदार के तरह खड़ा किए हुआ है, हैं? ये क्या है? कन्हैया कुमार पे भी तो आरोप है। क्या है आरोप? बीजेपी वाले बोलते हैं कि वो देश के टुकड़े टुकड़े कर। कन्हैया कुमार कोई आरोप नहीं, उस पे लगा थोपा जा रहा है। क्या राजनीति में जन्म हुआ? जन्म हुआ है राजनीति में, तो कदम रखा है उसका जितना है पढ़ा लिखा। मोदी नहीं है, अमित शाह है। नहीं, जो पढ़ा लिखा ने उसको बना दिया क्रिकेट का चेयरमैन। अच्छा, अपने बेटे को जानता बल्ला पकड़ने के लिए जानता है? 6 बॉल में 6 आउट करेगा, चैलेंज देते हैं, 6 बॉल में 6 आउट करेंगे। जैसा को समझ गए, 6 बार में 6 विकेट है तो किसी में दम नहीं। कहता है कि वो ले लिया सब, ये ले लिया, वो क्या ले लिया, सब कुछ दिया हुआ कांग्रेस का है। क्या क्या दिया है? बहुत कुछ दिया, कॉलेज दिया, रेल दिया, सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया। ये 5 किलो अनाज जो दे रहा है ये भी कांग्रेस का देन है, उसका देन है? नहीं, चश्मा छीन कर रुपया पर चिपका दिया, कहता कि हम चिपका है, वो भी हमारे गांधी जी का चश्मा है, वो छीन लिया। गांधी जी का चश्मा है? जी हाँ बिल्कुल, गांधी जी तो सबके हैं। गांधी जी मोदी का नहीं है? मोदी का नहीं है? मोदी का नहीं है? मोदी का नहीं है? बाप का ना, माँ का ना हुआ तो गांधी जी का? माँ मारा सारे हिंदू जो है बाल छिलाता, मोदी क्यों नहीं छिलाया? मोदी क्यों नहीं छिलाया? गंजा क्यों नहीं हुआ? सारे हिंदू वो गंजा होता, ये रुसमान है भाई, लेकिन वो क्यों नहीं रीत पूरा किया? उसका भाई आई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा, तो ईमानदार है, बोलते हैं ईमानदार है उसका भाई, ईमानदार है, ये तो चोर है। अच्छा, ये तो पक्का चोर है, पक्का झूठा है, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का चोर। अच्छा, एक नंबर का बेईमान। तो जेल नहीं जाते हैं? अरे उसको कह दो मोदी को हमसे आके डिबेट कर लेगा, अगर वो पढ़ा लिखा है तो हमसे कह दो डिबेट आके करेगा, उससे 4 घंटा तक डिबेट करेंगे, 1 घंटा आधा घंटा नहीं। राहुल गांधी भी बुलाए डिबेट के लिए? हाँ, राहुल गांधी मोदी जी। अरे वो राहुल गांधी का एक छींक में जो है वो भाग जाएगा, उससे क्या डिबेट करेगा? राहुल गांधी छींक देगा तो वो भाग जाएगा, राहुल गांधी के सामने वो खड़ा होगा और बैठेगा नहीं। अरे राहुल जैसा तो है ही नहीं कोई, है दम तो चल कर दिखाए रोड पे, अकेला 2 लाख रुपया का चश्मा कभी बाप जिंदगी में पहना था? 15 लाख रुपया का सूट आया किसी के खाते में? 15 लाख रुपया मेरा खाता में 1 रुपया भी नहीं आया। 10 साल में कोई अच्छा काम किए कि नहीं? कोई अच्छा काम नहीं किया है, जो देन है सब कांग्रेस का देन है, जो देन है सब कांग्रेस का है। जो वैक्सीन बनाया उससे वो ले लिया चंदा, अब वैक्सीन नकली थमा दिया सबको, आज लाखों आदमी परेशान है वैक्सीन की वजह से, करोड़ों आदमी जितना कोई टीका लगा वैक्सीन का सब परेशान। अभी घूम रहे थे सब मोदी मोदी कर रहा था हमारे सामने में, कहो एक कोई को बोलने के लिए नहीं, कहो डिबेट करने के लिए हमारे सामने में आए कोई उसका नेता से, कहो डिबेट करने के लिए हम खड़े हुए हैं। आप खड़े हैं? हाँ हम खड़े हुए हैं ना उसके सामने।
तो अभी हम सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यह उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पे अभी लोगों ने कहा कि इन्होंने सीधे मोदी जी को चैलेंज कर दिया कि है दम तो डिबेट में आए, अगर आप उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से हैं तो कमेंट करके बताइए कि इस बार यहाँ का सांसद किसे होना चाहिए, कन्हैया कुमार को या फिर मनोज तिवारी को।